परचेजिंग पावर पैरिटी स्टूडेंट्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट हम एक एग्जाम्पल लेंगे सिंपल केस जिसमें हम ये रज्यूम कर रहे हैं कि तमाम ममालिक जो हैं वो सिर्फ एक एक ही तरह की गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गुड भी फ्रीली ट्रेड हो रही सो इफ देर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट द रियल एक्सचेंज रेट वुड है वन कि अगर कोई ट्रांस एक ही एक ही शेय है पूरे पूरे मुख्तलफ ममालिक में वो प्रोड्यूस की जा रही है और कोई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं है और ट्रेड पर भी कोई पाबंदी नहीं है फ्री है ट्रेड तो फिर इसकी प्राइस तमाम मुल्कों में एक जैसी होनी चाहिए सो रियल एक्सचेंज रेट शुड भी वन का मतलब क्या है कि एक पाकिस्तान में जो गुड है उसके बदले में अमेरिकन भी एक ही एक ही यूनिट मिलेगा आर से एवरी वन वाई गोड्ड वेयर देवर चीपर अगर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में एक बर्गर के मुकाबले में अमेरिका में अगर आधा बर्गर मिलता है तो ज़ाहिर है फिर ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट हम समझ अज्यूम हैं कि कोई नहीं है तो फिर सारे लोग जो हैं वो फिर पाकिस्तानी बर्गर ही ख़रीदेंगे तो अल्टीमेटली फिर प्राइस इतने बराबर होना है जब यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ेगी सो so, परचेजिंग पावर प्रारिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन जो है ई इज़ द रियल एक्सचेंज रेट दिस इज़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट पी जो है ये आपकी डोमेस्टिक प्राइस है यार, और ये फॉरेन कंट्री की प्राइस है सो so, अगर हम एज्यूम करें कि दिस रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू वन अंडर दिस अदम्पन फिर इस इक्वेसन को रीअरेंज करने से आपको ये ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा कि डोमेस्टिकली प्राइसेस फिर किस तरह से डिटरमिन होंगी किसके इक्वल होंगी फॉरेन कंट्री में जो प्राइस है और डिवाइडेड बाई द एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट दिस विल डिटरमिन द डोमेस्टिक प्राइस दिस मीन दैट सिमिलर गुड्स द सेम प्राइस इन टर्म्स ऑफ द सेम करेंसी राइट अ कॉन्सेप्ट नॉन एज द परचेजिंग पावर पैरिटी कि वो बर्गर की हम एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं तो बर्गर की प्राइस अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में देखेंगे तो वो पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी एक ही होनी चाहिए इफ़ दिस परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड कर रही है ना या अगर डॉलर्स में लेंगे तो वो पाकिस्तान में भी और अमेरिका में एक ही होनी चाहिए इफ़ दिस होल्ड्स बट इज द एम्पेरिकल एविडेंस पी परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड्स इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन एम्पेरिकल एविडेंस क्या है कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो शॉर्ट रन में होल्ड नहीं करती कंट्रीज़ क्यों नहीं होल्ड करती इसके रीजंस में कंट्रीज़ प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स सम गुड्स आर नॉट ट्रेडेड ठीक है क्या हर मुल्क में वो तो हमने फलदा चेक ऑफ सिम्प्लीटी हमने एग्जाम्पल एज्यूम किया कि एक ही शेय है वो पाकिस्तान का बर्गर भी और अमेरिकन बर्गर भी एक ही तरह के हैं हर लिहाज से और वह इस तरह से जबकि ऐसा नहीं होता डिफरेंट कंट्रीज़ आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स नंबर वन और पाकिस्तान में जो कुछ प्रोड्यूस होता है वो ज़ाहिर है सारा तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं होता बहुत सी हमारी अपनी जो कन्वेंशनल डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उनके मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो सम गुड्स आर नॉट ट्रेडेड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी हमने कहा था कि नहीं होती लेकिन इनफैक्ट तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी होती है और देर आर सम लीगल बैरियर्स टू ट्रेड तो इन वजूहत की बिना पर यह परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड नहीं करती इन द शॉर्ट रन सो वन पी 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 परचेजिंग पावर पैरिटी डज नाट होल्ड सो so, यूजिंग ये जो एक्सप्रेशन हमने देखा है इसको हम यूज़ करेंगे और इसको हम डीकम्पोज कर सकते हैं सो वट इज़ दिस जब हमने ग्रोथ मॉडल्स पढ़े थे तो वहाँ ग्रोथ रेट्स के हवाले से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कैलकुलेट होते हैं ग्रोथ रेट्स और अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके ग्रोथ रेट्स ऐड हो जाते हैं अगर डिवाइड हो रहे हों तो माइनस हो जाते हैं तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिलेटिव चेंज है रिलेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज और ग्रोथ रेट्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ठीक है सो डेल्टा ई जो है दिस इज एप्सोलूट चेंज जब आप इसको ई इस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिलेटिव चेंज हो जाती है और इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज हो जाएगी तो दिस इज इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दिस इज अ ग्रोथ रेट सो दिस इज इक्वल टू यानी द ग्रोथ रेट या परसेंटेज चेंज या रेलेटिव चेंज जो रियल एक्सचेंज रेट में दिस इज इक्वल टू द रेलेटिव चेंज ग्रोथ रेट ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट प्लस द ग्रोथ रेट ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ फॉरन प्राइसिस ओके ये क्यों ये E के साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये ऐड हो रहे हैं और P फॉर जो है ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये ग्रोथ रेट्स में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा सो दिस कैन बी रीअरेंज एस अगर आप इस इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं ठीक है सो so जो उसमें चेंज आ रही है आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट में दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द रियल एक्सचेंज रेट प्लस द डिफरेंस बिटवीन जो प्राइस में इजाफा हो रहा है फॉरन कंट्रीज़ में और जो डोमेस्टिक कली जो उसमें चेंज आ रही है सो दस आर नामिनल अप्रिसिएशन सपोज इसमें इजाफ़ा होता है नामिनल जो एक्सचेंज रेट में इजाफ़ा हो जाता है नामिनल अप्रिसिएशन है सो इट कैन बी ड्यू टू नंबर वन कि आपका रियल एक्सचेंज रेट अप्रिसिएट हो गया और सेकेंड रीज़न क्या हो सकती है सेकेंड रीज़न ये हो सकती है कि आपका जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो फॉरन इन्फ्लेशन से अगर कम होगा तो इट कैन कास्ट एप्रिसिएशन और इसके उलट होगा तो फिर वो दूसरा केस बन जाएगा सो इन द स्पेशल केस इन विच द रियल एक्सचेंज रेट डज नाट चेंज यानी अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये रियल एक्सचेंज रेट कॉन्सटेंट है तो फिर इस इक्वेशन को क्या ये बन जाएगी ये वाली कम ड्रॉप हो जाएगी और इसका मतलब ये कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो चेंजेज़ आ रही हैं ये चेंजेस डिपेंड करती हैं आखिर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्या है और फॉरेन कंट्री में इन्फ्लेशन क्या उनके डिफरेंस पर डिपेंड करेगी अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कम है फॉरेन इन्फ्लेशन से तो आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट अप्रिसिएट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा सो द रिजल्टिंग इक्वेशन इज काल्ड द रिलेटिव परचेजिंग पावर पेरिटी ठीक है जब इस एजम्पन के तहत हमने अज्यूम किया कि देर इज नो चेंज इन द रियल एक्सचेंज रेट तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी सिंस नॉमिनल एक्सचेंज रेट मूवमेंट रिफ्लैक्ट ऑनली चेंज इन इन्फ्लेशन के नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इन्फ्लेशन इन टू कंट्रीज सो रेलेटिव परचेजिंग पावर प्रॉयरिटी वर्कस वेल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज सिंस इन दोज कंट्रीज मूवमेंट्स इन रेलेटिव इन्फ्लेशन रेट्स आर मच लार्जर दैन मूवमेंट्स इन रियल एक्सचेंज रेट तो जिन मुल्कों में इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो वहाँ ये जो रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी है ये नस्बता बेहतर रिफ्लेक्ट करती है हाल को, क्योंकि जो रियल एक्सचेंज रेट में तब्दीली बहुत कम आती है एज़ कंपेयर टू द जो इन्फ्लेशन रेट्स में तब्दीली आ रही होती है सो एट द टेस्ट ऑफ दिस पावर पैरिटी हाइपोथेसिस द इकोनॉमिस्ट मैगजीन पीरियडिकली रिपोर्ट्स ऑन द प्राइसेस ऑफ बिग मैक बर्गर इन डिफरेंट कंट्रीज के बर्गर की प्राइस मुख्तलफ मुल्कों में इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो मैगजीन रिपोर्ट करता है और उससे अभी हम देखते हैं कि द प्राइस वन ट्रांसलेटेड इन टू डॉलर टर्म्स यूजिंग द नॉमिनल एक्सचेंज रेट रेंज फ्राम वन पॉइंट सिक्स टू डॉलर इन इंडिया एंड सिक्स पॉइंट एट वन डॉलर इन स्विट्ज़रलैंड टू थाउजेंड ट्वेल्व को यह डाटा था तो इसका मतलब तो ये हुआ किदार है कि, कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये होल्ड नहीं करी अगर होल्ड करेगी तो फिर इन टर्म्स ऑफ डॉलर प्राइसेस बर्गर की तमाम दुनिया में एक एक ही होनी चाहिए सो so, ये वो डाटा है इसमें आप बहुत सारी वेरिएशन देखेंगे ठीक है यूनाइटेड स्टेट में ये 4.2 डॉलर का है इंडिया में अभी हमने देखा 1.62 डॉलर का स्विट्जरलैंड में ये है तो ये वेरिएशन क्या शो कर रही है कि परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड नहीं कर रही सो द बर्गर प्राइस डेटा फोरकास्ट मूवमेंट एंड एक्सचेंज रेट ओके शॉर्ट रन में तो होल्ड नहीं करी लेकिन हमने कहा कि लॉन्ग रन में इट शुड होल्ड तो ये कैसे फिर होल्ड करेगी सो बर्गर प्राइस माइट बी एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ज कन्वर्जेंस मतलब क्या है कि तमाम मुल्कों में बर्गर की प्राइसिस किसी एक डॉलर टर्म्स में वो एक ही होनी चाहिए तो प्राइस कन्वर्ज करेंगे जहाँ ज़्यादा हैं उन्होंने कम होना है जहाँ कम है उन्होंने ज़्यादा होना है तो ये इन्होंने कन्वर्ज करना है तो सो कंट्रीज इन विच बिग मैक्स आर एक्सपेंसिव मे हैव आ डेप्रिसन तो ये प्राइसिस जहाँ पर ज़्यादा है ठीक है वहाँ पर क्या होगा वो करेंसी जो है वो डेप्रीसीट करेंगी जहाँ पर कम है उन करेंसीज़ ने एप्रिसिएट करेंगी दैन वी कैन एक्सपेक्ट कि जी ये प्राइसिस कन्वर्ज करेंगी तो एनी हाउ हमने आज कॉन्सेप्ट समझा कि परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हम नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट को लिंक कर सकते हैं थैंक यू